नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पलनी विकास खंड के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना के अंतर्गत शनिवार को हैदराबाद छतवारा स्थित पंचायत भवन में एक दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में सचिव कुमारी वंदना के देखरेख में हैदराबाद उप छतवारा, चंदेश्वर, बयासी, मनिका डी, कटघर, जामूर सहित 17 ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों को एक दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। सचिव वंदना ने बताया कि इस दौरान पंचायती राज व्यवस्था, नेतृत्व विकास, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की समितियों, ग्राम प्रधान की भूमिका एवं कर्तव्य तथा विधायी व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर हैदराबाद छतवारा की ग्राम प्रधान मिथिलेश यादव, प्रधान रमेश चंद, प्रधान राजेश यादव, प्रधान अशोक कुमार, केशव राजभर सहित तमाम प्रधान मौजूद रहे। यहाँ पर 17 ग्राम पंचायतों का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जो नव निर्वाचित प्रधान जी लोग हैं वहाँ उन लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जिसमें सभी योजनाओं के बारे में, प्रधान के क्या राइट्स हैं, प्रधान के क्या काम हैं, ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य होने हैं और क्या हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में जो है सबको प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। यहाँ पे प्रधानों को ट्रेनिंग के रूप में, मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या क्या उनकी भूमिकाएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे वो अपने गांव का विकास या किसी चीज़ की बदले आवश्यकता है कैसे कैसे पूरा करेंगे, इसी सब के बारे में शिक्षा देने के लिए बुलाया गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।